हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। होप आप बहुत अच्छे रहोगे। फूड एंड ट्रैवल ये हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। तो मेरी बीवी के फरमाइश के ऊपर आज मैं बनाने जा रहा हूँ स्ट्रीट स्टाइल तवा भुर्जी। देख रहे हो ना दोस्तों, कितना अच्छा कलर और टेक्सचर आया है। तो चलो चल के अभी बनाते हैं स्ट्रीट स्टाइल तवा भुर्जी। और इसे बनाने के लिए हमें ज़रूरत होगी कुछ अंडों की। तो यहाँ पर मैं ले रहा हूँ 2 से 3 अंडे मैं इस्तेमाल करूँगा। उसके बाद मुझे ज़रूरत रहेगी 2 से 3 हरी मिर्च की, 2 से 3 छोटे टमाटर, और उसके बाद यहाँ मैं यूज़ कर रहा हूँ लहसुन और अदरक। यहाँ मैंने लिए है 7 से 8 लहसुन की कलियाँ और लगभग 1 इंच का मैंने अदरक इस्तेमाल किया है। इसके बाद हमें ज़रूरत होगी दोस्तों हरे धनिए की। हरा धनिया लेना है, थोड़ा सा बटर, और यहाँ पर मैंने इस्तेमाल किया है ऑनियन 2 मीडियम साइज़ से बड़े साइज़ के चॉप किए ऑनियन। उसके बाद 3 टेबलस्पून ऑफ ऑयल। तो यहाँ तवा भुर्जी बनाने के लिए सबसे पहले हमें तवा लेना होगा। यहाँ मैं पैन यूज़ कर रहा हूँ दोस्तों। आप तवा इस्तेमाल करोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। इसमें मैं डाल रहा हूँ 3 टेबलस्पून ऑफ ऑयल। फिर उसमें थोड़ा सा हम लोग डालेंगे बटर। यहाँ पे आप अगर सिर्फ बटर इस्तेमाल करते हो तो दोस्तों बटर जल सकता है, इसके लिए हमें ऑयल भी यूज़ करना रहेगा। तो हम लोग ऑयल के साथ बटर यूज़ करेंगे, उसे फिर अच्छे से घोल लेना है। तो बटर जो है ऑयल के साथ मिक्स हो जाएगा। फिर इसमें मैं हरा कड़ी पत्ता हाथों से ही टुकड़े करके डाल रहा हूँ। इससे जो है तेल और बटर का जो मिक्सचर है उसमें कड़ी पत्ते का फ्लेवर उतरेगा। फिर इसमें हमें डालना होगा अदरक और लहसुन। दोस्तों यहाँ आप अदरक और लहसुन की पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे चॉप यूज़ कर रहा हूँ। इससे जो है एक अच्छा टेक्सचर आएगा हमारे भुर्जी को। अच्छे से स्टर कर लेना है। उसके बाद हमें इस्तेमाल करना है प्याज। यहाँ मैंने 2 मीडियम से बड़े साइज़ के चॉप प्याज लिया है। बहुत अच्छे से फाइनली चॉप करना है दोस्तों। एक जो है हमारे बॉडी के लिए बहुत अच्छा रहता है। इसमें विटामिन ए, विटामिन B2, विटामिन B5, विटामिन B12, विटामिन डी, आयरन, जिंक, फॉस्फरस, ऐसे बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स रहते हैं। प्याज जो है हमें ज़्यादा गर्म नहीं करना है, हाई फ्लेम पर रखना है। 2 मिनट के लिए मैं यहाँ पर गर्म कर रहा हूँ। फिर इसमें मैं डाल रहा हूँ 2 से 3 छोटे कटे हुए टमाटर। अच्छे से स्टर कर लेना है। फिर इसमें ऐड करना है स्वादानुसार नमक। नमक ऐड करने से क्या होगा दोस्तों, ये जो टमाटर है ना वो सॉफ्ट हो जाएगा और उसका जो फ्लेवर है वो प्याज में उतर जाएगा। उसे हाई फ्लेम पर रख के गर्म करना है। देखो बुलबुले कैसे आ रहे हैं। फिर उसमें हमें ऐड करनी है 2 से 3 हरी मिर्च। अच्छे से फाइनली चॉप की है मैंने यहाँ पर। फिर इसमें जो है हम लोग मसाले ऐड करेंगे। यहाँ पे मैं 1 टीस्पून हल्दी ऐड कर रहा हूँ। यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आपको अगर तीखा पसंद है आप ज़्यादा डाल सकते हैं। गरम मसाला डाल रहा हूँ 1 टीस्पून। 1 टीस्पून धनिया जीरा का पाउडर, इसे अच्छे से मिला लेना है। आपको पता है दोस्तों, आप स्ट्रीट पे जो भी भुर्जी पाव खाते हो उसका टेस्ट अलग ही लगता है। वो क्यों? उसका सीक्रेट है ये पाव भाजी मसाला। तो हम लोग इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच पाव भाजी मसाला। इससे जो टेस्ट है ना बहुत एनहांस हो जाएगा और आपको यही फील आएगा कि ये स्ट्रीट वाली भुर्जी पाव मैं खा रहा हूँ। इसको हाई फ्लेम पे पकाना है। देखो कैसे बुलबुले आ रहे हैं इसमें अच्छे से। फिर इसमें मैं तोड़ के डाल रहा हूँ 3 अंडे। अभी जो हमारा फ्लेम रहेगा ना उसको मीडियम से हाई फ्लेम के बीच में कम ज़्यादा करते रहना है। अगर आप कंटिन्यूस हाई फ्लेम के ऊपर रखोगे तो हमारा जो एग है वो नीचे चिपकने लगेगा। इसके लिए हमें बीच बीच में जो है
मीडियम फ्लेम पर भी गैस को लाना है और कंटिन्यूसली स्टर करना है। अगर आप स्टर दोस्तों नहीं करोगे तो ये चिपकना चालू हो जाएगा और फिर भुर्जी आपका जल भी सकता है, उससे आपका जो फ्लेवर है वो जला हुआ आ जाएगा। इसे मैं ढक्कन लगा रहा हूँ तो उसके वजह से जो है ये जल्दी से पकेगी, और जब तक ये अच्छे से ड्राई नहीं होती हमें कंटिन्यूसली इसे पकाते रहना है। अगर वो ड्राई नहीं है इसका मतलब वो एग है वो कच्चा है। इसमें मैं हरा धनिया डाल रहा हूँ, इससे जो है एग का एक स्मेल रहता है बैड ऑडर वो नहीं आएगा। फिर उसमें मैं बटर ऐड कर रहा हूँ टेस्ट एनहांसमेंट के लिए। वाओ कितना अच्छा स्मेल आ रहा है दोस्तों, मुझे तो अभी से पेट में चूहे दौड़ने लगे हैं। तो चलो फिर अभी सर्व करते हैं। देख रहे हो ना दोस्तों कितना बढ़िया टेक्सचर आया है और जो कलर भी है ना वो बहुत बढ़िया है, लग रही है ना एकदम स्ट्रीट स्टाइल की तवा भुर्जी। आप भी आपके घर पे ज़रूर बनाना दोस्तों। यहाँ कुछ तो मुझे मिसिंग लग रहा है। अरे हाँ, हमने तो पाव बनाया ही नहीं। पाव भुर्जी के साथ अगर हमें सर्व करना है तो पाव तो चाहिए, तो लेट्स गो, हम लोग अभी जाके बनाते हैं पाव भुर्जी के साथ खाने के लिए। तो ये पाव हम लोग जो गरम करेंगे ना, इसके लिए हम लोग को जो हमने तवा पहले इस्तेमाल किया था भुर्जी के लिए, हम लोग वही यूज़ करेंगे। वही तवे पे मैं यहाँ पर बटर डाल रहा हूँ, इससे जो है जो भुर्जी का उसमें फ्लेवर है वो पाव के ऊपर उतरेगा। तो मैंने वही सेम तवे को इस्तेमाल किया है। अच्छे से बटर लगा लेना है, बटर से जो है आपके पाव का टेस्ट भी एनहांस हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ये जो पाव है ना इसे ज़्यादा गर्म नहीं करना है, अगर आप ज़्यादा गर्म करोगे तो वो कड़क हो जाएगा और फिर पाव खाने का मज़ा नहीं आएगा। देख रहे हो उसका टेक्सचर, पाव एकदम नरम है, बिल्कुल कड़क नहीं हुआ, तभी तो मज़ा आएगा ना भुर्जी पाव के साथ पाव खाने का। यम, ये तो बहुत ही बढ़िया बना है, आज तो मेरी वाइफ बहुत खुश हो रही है। दोस्तों ये रेसिपी आप भी ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कैसे बनी है ये स्ट्रीट स्टाइल की तवा भुर्जी। ऐसे मज़ेदार रेसिपीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।